Hello everyone, good morning and welcome back to my IELTS speaking test series IELTS Talks with Karishma. Hi, I'm Karishma Joshi, the founder of Navigators Education, a mother of two cute daughters, a powerful source together, a wife to a founding partner Chirag Joshi, a soulful and a supportive man, and a daughter to a father who taught me to value myself, to believe in self-worth and blossom into a strong and courageous woman. I am a certified trainer by IDP Australia, British Council, Cambridge University, PTE and TOEFL too. Having 17 plus years of experience by training and helping to secure desired score in IELTS and PTE to more than 10,000 students till date by both offline and online modes. So guys, let's see how our today cue card is going to be. So today's our cue card topic is Describe something that helps you to concentrate. And the cue questions are what it is, when do you do it, how did you learn about it, and how does it help you to concentrate. So well, there are very few things that we do and that help us to concentrate, because nowadays we are so much busy into our life that we don't get a proper rest or proper time to think about ourselves, to be concentrated and to give peace to our mind. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते. तो यहाँ पे आपको पूछा कि आप ऐसी एक कौन सी चीज करते हो कि जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात बताऊंगी, हम दो ऑप्शन को लेंगे जो थोड़ा बहुत ईजी आंसर हम बनाएंगे इसको. कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आई स्लीप फॉर से आई टेक अ गुड इनफ स्लीप और अ साउंड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 8 आवर्स. ठीक है, तो अब बताओ कि देन दैट रियली हेल्प्स मी टू कॉन्सेंट्रेट. तो अब बताओ कि इन दिस बिजी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ वी डोंट गेट अवर टाइम टू रिलैक्स अवर सेल्फ एंड इवन अवर माइंड इज फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक अबाउट अवर स्टडीज और वर्क और एनी अदर थिंग्स. ऐसे बहुत सारी चीज़ों से हमारा जो माइंड है वो भरा हुआ है. तो वहाँ पे इट वॉज हैपनिंग कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. मैं कोई भी चीज़ पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रही थी या नहीं कर पा रहा था. तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हो जाती थी कि जहाँ पे मेरा कभी कभार मुझे थकावट की वजह से आई यूज टू कम इन टू अ स्मॉल नैप, मुझे बहुत नैप आ जाता था. और वो मेरा क्या करता था कि मेरा पूरा जो फिजिकल एनर्जी उसको भी कम कर देता था. सो आई रियलाइज दिस से कपल ऑफ मंथ्स बैक कि नाउ आई एम गेटिंग मोर स्ट्रेस्ड आउट एंड आई एम फीलिंग मोर स्लीपी फॉर द होल डे एंड आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश एंड गुड इनफ. तभी वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो नोटिस दिस थिंग इन टू मी एंड या तो मेरे पेरेंट्स ने ये चीज मुझ में नोट की. और एक दिन जब हम लोग बैठे थे तब उन्होंने मुझे बताया, आप किसी के भी बारे में बता सकते हो. ठीक है, तो उसने मुझे ऐसा बताया कि आई एम नॉट सीइंग यू बीइंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग यू सीइंग मोर स्लीपिंग. तो क्या तुम अच्छे से साउंड स्लीप नहीं करती हो, कहता हो. तो दैट टाइम आई रियलाइज दैट यस, इट इज वेरी मच ट्रू दैट बिकॉज ऑफ स्टडीज और इवन but spending more time on social media, on mobile phone, and also I'm not taking myself a sound sleep. I'm not giving a sound sleep to myself. I sleep late at the night, 1-2 o'clock. कई बार ऐसा हो जाता है जल्दी, जैसे कि मुझे सुबह में कॉलेज जाना है या तो फिर मुझे वर्क के लिए ऑफिस जाना है, तो आई यूज टू गेट अप एट 6:30 और 6 o'clock समथिंग अराउंड, क्योंकि आई हैव टू रीच माई कॉलेज या तो फिर ऑफिस एट अराउंड 8 o'clock. सो आई ऑब्जर्व दैट आई एम टेकिंग स्लीप ओनली ऑफ से 5-6 hours एंड दैट आई थिंक दैट मेडिकल साइंस इज नॉट सेइंग दिस इज अ साउंड स्लीप. सो एटलीस्ट अ पर्सन टू बी फिट एंड फाइन नीड्स टू टेक एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप अ डे और अ नाइट. सो from that moment of time I realized that now I'm going to use less of my mobile phone. मैं अपना mobile phone का कम इस्तेमाल करूँगी, या तो मेरा जो काम है वो जल्दी मैं अरेंज करके जल्दी सो जाऊँगी या सो जाऊँगा, एंड आई विल टेक अ वेरी गुड स्लीप ऑफ 8 hours. तो वो मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया. तो इनिशियली इट वॉज टफ फॉर मी बिकॉज कुछ ना कुछ मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, बट देन स्लोली स्लोली हाफ एन आवर करके मीन्स वो करके मैंने मेरा जो टाइम है वो मैनेज करना शुरू किया. एंड नाउ फ्रॉम लास्ट से 3-4 months आई रिमेंबर दैट आई एम टेकिंग इनफ ऑफ 8-9 hours ऑफ स्लीप एंड दैट हैज रियली हेल्प मी अ लॉट. आई कैन सी अ वास्ट चेंज इन माई सेल्फ
लाइक यू नो नाउ आई वुड लाइक टू से दैट माई स्ट्रेस लेवल हैव ऑल्सो डिक्रीज, आई एम नॉट फीलिंग स्लिपी एंड आई एम एबल टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट लाइक यू नो ऑन एवरी लाइक यू नो माई थिंग. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट नाउ आई एम नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजिली. So, like you know, to in the end, I would also like to say that with little of the self-discipline, we can relax our mind and body, and by like you know, adopting some of the simple rather like you know steps or like you know things, we can change our like you know total behavior of our life, and I think it is very 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 important thing. सो गाइज, एक तो ऐसा आंसर बना सकते हो, दूसरा बात कर सकते हो कि मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो मेडिटेशन करके लाइक यू नो आई वॉज एबल टू, फिर ये चीज़ बतानी है आपको कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, मैं कहीं पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी या दे पा रहा था, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरा माइंड एकदम एक कोई स्टडी सिचुएशन में नहीं है. तब मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने या घर वालों ने बताया कि रोज़ सुबह में थोड़ा मेडिटेशन क्या करो, तो वो रियली हेल्प होता है आपके माइंड को स्टेबल करने के लिए. तो मैंने कपल ऑफ मंथ्स से पहले शुरू किया, तो थोड़ा मुझे इनिशियली वो मेरे से नहीं हो पा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन मेडिटेशन, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने मेडिटेशन को मेरा चालू रखा, तो वैसे वैसे मुझे सारे फ़र्क मेरे बॉडी में, फिजिकल और मेंटल लाइक यू नो बॉडी में मुझे मैंने नोटिस किया. एंड नाउ आई फील दैट आई रियली फील मच मोर रिलैक्स एंड रिज्यूविनेटेड, एंड आई थिंक दैट नाउ लाइक यू नो द क्लैरिटी ऑफ माइंड रियली हेल्प्स मी टू कनेक्ट विद द like you know people and also my stress level has decreased, and now I'm able to like you know focus and concentrate like you know more on everything, my study ya work aap jo bhi karte ho bata sakte ho. So in the end I would like to say that really like you know meditation does improve our focus and concentration, and those who meditate like you know and see no changes must be like you know doing wrong, I would like to say, but definitely when you are doing it in a good way, proper way, it really helps you out. So guys, आप भी इस तरीके से आपको वो जो भी चीज़ easy लगती हो बोलने के लिए वो select कीजिए और फिर आपका answer बोलिए. So I can definitely tell you that it is going to be a very very nice like you know your presentation of a cue card in your examination. So guys, see you tomorrow with one more cue card. Till then, don't forget to prepare and record your answer, and also don't forget to share and like my podcast.